92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम एंड माय गेस्ट टुडे मनोज बाजपाई। कुछ पन्ने जिंदगी के। हर किरदार को जो आपने निभाया है वो लगता है रियल है। जी जी, क्योंकि जिंदगी इतनी जी है ना। हाँ। अब उसी उन्हीं लोगों के बीच से आते हैं आज भी। वो मेरी मजबूरी है मधुरिमा। मुझे जैसे मैं सुबह सुबह उठते हैं, हम लोग आवा को स्कूल छोड़ते हैं बहुत बार। आवा को स्कूल छोड़ने के बाद और मैं ही गाड़ी चलाता हूँ, क्योंकि जानबूझ करके ड्राइवर को मैं सुबह सुबह नहीं बुलाता हूँ, सो दैट कि वो मुझे समय मिले गाड़ी चलाने का। एंड सो दैट इतना झगड़ा वगड़ा करते हैं हमारे बीवी और हम जो है बहुत झगड़ा करते हैं और तो कुछ एक मोमेंट हो जहाँ पर रोमांस का भी होना चाहिए, है ना, टुगेदरनेस का भी होना चाहिए, तो वो अच्छा समय होता है। अब बेटी को अपने स्कूल छोड़ा और हम लोग शास्त्री नगर में वो चाय की दुकान है वो नुक्कड़ वाला, वो आज भी वहीं पे है। मैं रहता था शास्त्री नगर में, वो हमारे घर में चाय ला के देता था। उस समय आई वॉज डेटिंग शबाना, उसके पास में गाड़ी लगा के उसके पास लोगों से बात करना। शबाना गाड़ी में बैठी रहती है, मैं बातें करता हूँ, चाय पीता हूँ, समोसे खाता हूँ सुबह सुबह। वो बिकॉज वो मेरी इनर नीड है मेरी, मतलब अगर मैं इन लोगों के साथ में नहीं उठूंगा बैठूंगा ना, मैं इनके साथ नहीं मिलूंगा। अगर मैं शबाना मुझे कहें कि जरा ये सामान लेके आ जाओ बाजार से, अगर मैं वो नहीं लेके आऊं तो शायद आई विल नॉट बी द सेम एक्टर, बिकॉज आई गेट एवरीथिंग फ्रॉम देयर। दे आर माई ऑक्सीजन, यू नो, द पीपल आर माई ऑक्सीजन। आपके घर जाते मैं हमेशा आपको भी बोलती हूँ कि यू आर वन ऑफ द वेरी फ्यू हस्बैंड्स जिनको घर का हर चीज़ पता है, शायद शबाना से भी ज़्यादा पता हो कि कहाँ कौन सी चीज़ पड़ी है, कहाँ ये खून वहाँ से लेके आओ, ये वहाँ से निकाल के लेके आओ, हर चीज़ का आपको पता होता है। right. और बहुत अच्छा लगता है ये देख के भी, क्योंकि जनरल एक मेंटालिटी है स्पेशली right. हमारे कंट्री right. में कि आदमी जो है वो कुछ ना करे। मैं और शबाना बहुत झगड़ा करते हैं, लेकिन उसके बाद ही मैं क्रेडिट उसको दूंगा शबाना को, बिकॉज शी मेक्स इट श्योर कि वो कहती है कि यार कम से कम आई वॉन्ट आवर टू रिस्पेक्ट यू, तुमको करना पड़ेगा ये, अगर तुम नहीं करोगे तो शी विल नॉट रिस्पेक्ट यू, क्योंकि वो कहेगी कि मेरी माँ ही कार करती रही, विच इज़ वेरी गुड। एंड सेकेंडली मैंने अपने फादर, मेरा घर था ना 6 भाई बहनों का परिवार, तो मेरी माँ जो थी ना वो मर्द थी घर की। अच्छा। और मेरे पिताजी औरत थे। बाप को जो है ना घर के अंदर जितना काम करते हुए देखा है वो आप शबाना से कभी पूछ सकती हैं। मेरे शबाना हमेशा कहती है कि नन ऑफ यू ब्रदर्स आर लाइक योर फादर, मतलब ही इज बीन सो एक्टिव इन द हाउस होल्ड, है ना। तो आप भी तो वैसे ही हैं। तो वैसा बनने की, लेकिन बीबियां जल्दी तारीफ नहीं करती है ना, बीबियों के दोस्त हमारी दोस्ती जो है तारीफ करती है। कोई बात नहीं, हम भी कर रहे हैं ना। पर अब जब हम शबाना की बात कर रहे हैं जी, शबाना एक एक्ट्रेस है। बिल्कुल, मुझे पता है आपने अपनी शुरुआती लाइफ जो है आपने किसी को रोमांसी नहीं किया। नहीं, वो आप अपने शाय नेचर कहें या आपका थॉट प्रोसेस। हाँ, अंदर ही कहे कि मतलब अंदर ही अंदर मर जाते थे लड़की पे, और लड़की तब तक दूसरे से शादी कर लेती थी। हाँ, वहाँ आप गुरुदत्त बन जाते। हाँ, वहाँ पे गुरुदत्त बन जाते थे। मतलब ऐसा रहा है कि बोल ही नहीं पाते थे, कि बड़े शहरों का जो रिवाज था ना। हाँ। बहुत सालों तक तो समझ ही नहीं आया कि लड़की को अच्छा लगेगा अगर मैं जाकर कहूँ कि यू लुकिंग प्रिटी। मुझे लगता था थप्पड़ मारेगी। ये कई साल के बाद जाके एहसास हुआ, किसी दोस्त ने कहा अबे पागल है क्या, तुझे कोई कहे आकर के कि तू अच्छा लग रहा है तो तू किसी को थप्पड़ मारेगा, तो लड़की क्यों थप्पड़ मारेगी। पर गांव में तो ऐसे ही हो ना। हाँ, गांव में तो लोग उसका मतलब अलग निकालते अलग हैं निकालते। तो इस उस जगह की पैदाइश हो, क्या कहेंगे आप। मनोज बाजपाई की जिंदगी के कुछ और पन्ने, और कुछ पन्ने जिंदगी के विद मधुरिमा निगम और 92.7 बिग एफएम।